मामले में वांछित चल रहे एक बदमाश पवन कुमार की तलाश में पंजाब के सादुलगढ़ थाने की पुलिस जयपुर आई। इस दौरान पंजाब पुलिस की टीम ने चित्रकूट थाना इलाके में स्थित हीरानगर में एक दुकान और मकान पर छापा मारा, लेकिन पंजाब पुलिस की कार्रवाई की सूचना मिलने से पहले ही पवन कुमार मौके से फरार हो गए। पंजाब पुलिस की सूचना पर ड्रग कंट्रोलर की टीम भी मौके पर पहुंची और चित्रकूट थाने को लेकर की रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट सौंपी पंजाब पुलिस ने के एसआई ओम प्रकाश और हरजिंदर से मिली जानकारी के मुताबिक पवन कुमार 10 लाख नशीली गोलियों की खरीद फरोख्त के मामले में फरार चल रहा था। आरोपी के खिलाफ पंजाब के मानसा जिले के सादुलगढ़ थाने में मामला दर्ज था। पंजाब पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी पवन कुमार यहां पर छिपा हुआ है। इस पर पंजाब पुलिस ने घर और दुकान पर दबिश दी, लेकिन वह मौके से फरार हो गया। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।